हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि एस्कावा V1000 ड्राइव में मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए हमें ड्राइव में कैसी वायरिंग करनी होती है, ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग देखते हैं। यह ड्राइव का कंट्रोल टर्मिनल, यहाँ पर हमने एक जो SC टर्मिनल होता है ड्राइव के, उससे हमने तीन पुश बटन लिए है, फर्स्ट स्पीड के लिए, सेकंड स्पीड के लिए, थर्ड स्पीड के लिए। SC है जो ड्राइव का, उसको हमने तीनों पुश बटन के एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। और जो फर्स्ट वाला पुश बटन है उसके इनपुट को हमने ड्राइव के S5, सेकंड वाले को S6 और थर्ड वाले इनपुट को S7 से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमें ड्राइव की वायरिंग करनी है। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। ये है हमारे पास एस्कावा ड्राइव का यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग हम ड्राइव में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं पेज नंबर 178, पैरामीटर H, टर्मिनल फंक्शन। यहाँ पे इनपुट है, मल्टी स्टेप इनपुट जो है ड्राइव के 7 इनपुट है। हमने S5, S6, S7 में तीनों इनपुट को कनेक्ट किया है। S5 का पैरामीटर H15, S6 का पैरामीटर H16 और S7 का पैरामीटर है H17। तो ये तीनों पैरामीटर हैं जहाँ पे हमने इनपुट को कनेक्ट किया है। हमने H1-05 में इनपुट फर्स्ट को कनेक्ट किया है, तो हमें पैरामीटर H1-05 में 3 सेट करना है। उसके बाद H1-06 में हमें 4 सेट करना है और H1-07 में हमें 5 सेट करना है। पैरामीटर में जाने के लिए सबसे पहले हम डाउन की को प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे। यहाँ पे PAR लिखाएगा, पैरामीटर है ये, इस पर इंटर करेंगे। पैरामीटर A1-01 आ गया है, हमें H1 में जाना है। अब की को प्रेस करेंगे, H1-01 आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हमें जाना है H1-05, इस वाले एरो की को प्रेस करके 01 ब्लिंक कर रहा है। अब हम अप की को प्रेस करके यहाँ पे 05 कर देंगे। ये 05 हो गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे पहले से ही 3 पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हम। उसके बाद H1-06 में जाते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे भी 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। एस्केप की को प्रेस करके बाहर आते हैं। अप की को प्रेस करते हैं, H1-07 आ गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे 05 पड़ा हुआ है, तो H1-05, H1-06, H1-07 हमने तीनों पैरामीटर देख लिए, 3, 4 और 5 पड़ा हुआ है। उसके बाद एस्केप की को प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अभी हमने ड्राइव में डिजिटल इनपुट असाइन कर दिए मल्टी स्पीड के लिए। अब हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हमें ड्राइव के पेज नंबर 3, 4, 6 में जाएंगे। ये आ गया डी ग्रुप, रेफरेंस का ग्रुप आ गया। सबसे पहला पैरामीटर है D1-01, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस वन। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस वन D1-01 में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद हम आएंगे D1-02, यहाँ पे हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी रखना हो तो हमें D1-02, जिसमें हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रखेंगे सेट करना हो तो हम D1-02 में सेट करेंगे। जैसे इनपुट नंबर 1 आएगा तो जो फ्रीक्वेंसी D1-02 में हम सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर ड्राइव रन हो जाएगी। उसके बाद D1-03, इसमें हम सेकंड फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। सेकंड इनपुट जब आएगा तो D1-03 पे जो भी फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ड्राइव रन हो जाएगी। उसके बाद आता है D1-04, यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उसके लिए हमें इनपुट फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट रेफरेंस इनपुट 1 और सेकंड इनपुट फर्स्ट और सेकंड जब आएगा, तो दोनों इनपुट जब आएंगे तो इन पैरामीटर D1-04 में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ड्राइव रन होगी। उसके बाद आता है D1-05, D1-05 में जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो जब रेफरेंस नंबर 3, इनपुट नंबर 3 आएगा, इनपुट नंबर 3 और फर्स्ट और सेकेंड इनपुट ऑफ रहेंगे, उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी D1-05 में होगी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ड्राइव रन हो जाएगी। फर्स्ट वाले केस में सेकंड और थर्ड इनपुट ऑफ होना चाहिए
सेकंड वाले केस में फर्स्ट और थर्ड ऑफ होना चाहिए, और थर्ड केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑन होना चाहिए, और थर्ड वाला इनपुट ऑफ होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ केस में जो फ्रीक्वेंसी D1-05 में रहेगी और इनपुट नंबर तीन ऑन होगा और फर्स्ट और सेकंड इनपुट ऑफ रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी D1-05 में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ड्राइव रन हो जाएगी। अब हम ड्राइव में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हमें डी ग्रुप में जाना है, एस्केप की को प्रेस करते हैं, एक बार और एस्केप की को प्रेस करते हैं, एच ब्लिंक कर रहा है, अप डाउन की को प्रेस करके हम डी ग्रुप में जाएंगे। D1-01 आ गया, इंटर करते हैं। उसके बाद हम D1-02 में जाना है, इस वाले एरो की को प्रेस करते हैं, 01 ब्लिंक कर रहा है, आप की को प्रेस करते हैं, 02 आ गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे अभी 13 पड़ा हुआ है, इसको हम 10 कर देते हैं, तो D1-02 में हमने 10 कर दिया। उसके बाद D1-03 में जाते हैं, यहाँ इंटर करते हैं, यहाँ 20 पड़ा है, इसे हम 20 ही रहने देते हैं। उसके बाद D1-04 में जाते हैं, यहाँ पे 30 पड़ा हुआ है, इसे 30 ही रहने देते हैं। उसके बाद D1-05, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, 40। उसके बाद इंटर करते हैं। उसके बाद D1-06, यहाँ पे हम 50 सेट कर देते हैं, 50 सेट कर दिया हमने। अभी हमने D1-02, D1-03, D1-04, D1-05 और D1-06 में हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है। उसके बाद हम इसे फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हम एस्केप की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब हम ड्राइव को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव को रन करते हैं। अभी हमारा ड्राइव रन है। अभी ड्राइव इस कंडीशन में जब कोई भी इनपुट नहीं आएगा तो ड्राइव हमारी मास्टर फ्रीक्वेंसी से रन होगी, तभी मास्टर फ्रीक्वेंसी 0 है। हम इसे टू कर देते हैं, तो इस कंडीशन में अभी ड्राइव 2 हर्ट्स में रन होगी। जैसे ही हम इनपुट 1 को ऑन करते हैं तो हमारा ड्राइव 10 हर्ट्स पे रन होने लग गया। उसके बाद इनपुट नंबर 2 को ऑन करेंगे तो ड्राइव 20 हर्ट्स में रन हो गया। उसके बाद इनपुट 1 और 2 को ऑन करते हैं, इस कंडीशन में ड्राइव 30 हर्ट्स में रन होगा। उसके बाद इनपुट नंबर 3 को ऑन करते हैं तो हमारा ड्राइव 40 हर्ट्स पे रन हो गया। उसके बाद 1 और 3 को ऑन करते हैं, इस कंडीशन में ड्राइव 50 हर्ट्स में रन हो गया। हमने D1-06 तक के पैरामीटर सेट किए थे, तो ड्राइव D1-06 के लिए इनपुट है फर्स्ट और थर्ड, तो इस कंडीशन में ड्राइव 50 हर्ट्स में रन हो रही है। इस तरह से हम मल्टी स्पीड फ्रीक्वेंसी को ड्राइव में सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।